गैस, ठीक है ना, वो किस वजह से, वो अपनी उसी मल्टी प्रोसेसिंग वजह से, पहले कभी हम बात कर रहे थे। सो द पॉइंट इज के अगर सेक्स और जेंडर एक फॉर्म है डाइवर्सिटी की, तो वो सेक्स और जेंडर की वो सिर्फ और सिर्फ उनकी जेंडर की हद तक नहीं, उनके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देख के मैनेज किया जाए। ये पहली फॉर्म हो गई डाइवर्सिटी की जिसको हमने साइड पे रख दिया। जो सेकंड फॉर्म है डाइवर्सिटी की, दैट इज एज। हम एज की बेस पे डाइवर्सिटी को मैनेज कर सकते हैं। एज की बेस पे डाइवर्सिटी की सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल्स आपको फुटबॉल में मिलती हैं। फुटबॉल में जो कम एज के, अब डिफरेंट फुटबॉल की फॉर्मेशंस होती हैं, अगर आपको फुटबॉल में इंटरेस्ट हो तो आपको पता चलेगा कि सबसे बैक पे एक गोलकीपर होता है। गोलकीपर के आगे चार डिफेंडर होते हैं, उन चार डिफेंडर्स में से दो सेंट्रल डिफेंडर्स होते हैं, एक लेफ्ट विंग पे, एक लेफ्ट बैक होता है और एक राइट बैक होता है। ये चार डिफेंडर्स का एक बना होता है। ये नॉर्मल, एक जरूरी नहीं है कि हर टीम इसी फॉर्मेशन के साथ खेलती हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टीम्स इस फॉर्मेशन के साथ खेलती हैं। पांच खिलाड़ी हो गए। उसके बाद आपके पास सेंट्रल मिडफील्डर्स होते हैं, ठीक है ना, दीज आर द ब्रेन ऑफ अ टीम, ठीक है ना। वो सेंट्रल मिडफील्डर्स हैं, वो नॉर्मली दो होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास सात खिलाड़ी हो गए, अभी आपके पास चार की स्पेस मौजूद है। उसके बाद आपके पास एक अटैकिंग मिडफील्डर होता है। अटैकिंग मिडफील्डर होता है जो आपके फॉरवर्ड्स को और विंगर्स को हेल्प करता है गोल करने के लिए। और फिर राइट साइड पे आपके पास राइट विंगर होता है, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट विंगर होता है और सामने फॉरवर्ड होता है। सो मीन्स ये 11 खिलाड़ी हैं। सबसे पहले एक गोलकीपर, दो डिफेंडर, लेफ्ट बैक, राइट बैक, लेफ्ट बैक, दो सेंट्रल मिडफील्डर्स, एक अटैकिंग मिडफील्डर, राइट विंगर, लेफ्ट विंगर एंड देयर इज अ फॉरवर्ड, ठीक है ना। इस कंपोजिशन के साथ एक टीम आगे जाती है। अब होता क्या है, सबसे ज्यादा जो रन करना होता है इनमें से, जो सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाली जॉब है, वो इन विंगर्स की है। ये विंगर, ये वाला विंगर और ये जिंगर, नहीं कह रहा विंगर, कह रहा हूँ विंग प्लेयर्स होते हैं, ठीक है ना, राइट विंग पे, लेफ्ट विंग पे और सामने फॉरवर्ड होता है प्लेयर। इन तीनों ने स्पीड के साथ अटैक करना होता है, क्योंकि ये अटैकर्स हैं, ठीक है ना। इन्होंने गोल पोस्ट की तरफ ऐसे दौड़ के जाना है और उन्होंने किसी तरीके से गोल करने की ट्राई करनी है, उनके डिफेंस को डिस्ट्रॉय करना है। यहाँ पे आपको पेस चाहिए, यहाँ पे आपको एजिलिटी चाहिए, यहाँ पे आपको अग्रेसिवनेस चाहिए और यहाँ पे आपको यू कैन से के हर तरह की पावर चाहिए। डैट्स वाई जो प्लेयर्स फॉरवर्ड होते हैं, उनका जो प्राइम टाइम होता है ना, वो उनकी 23 से 28 की एज तक होता है, ठीक है ना। कुछ प्लेयर्स लकी होते हैं, लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लाइक लाइनल मेसी, दे कैन इवन प्ले अ गुड फुटबॉल इन राइट नाउ 32 to 35 ईयर्स एज। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज 35 ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल ही इज प्रोड्यूसिंग द मैग्निफिसेंट गोल्स। लाइनल मेसी इज ऑलमोस्ट 32 ईयर्स ओल्ड प्रोबेबली एंड ही इज स्टिल रूलिंग द वर्ल्ड फुटबॉल। सो इट डजंट मीन इट अप्लाइज टू एवरी प्लेयर, बट 99% प्लेयर्स कैन सी देयर फॉल इन 28 to 29 ईयर्स। उसके बाद उनको लगता है अच्छा हम फॉरवर्ड के तौर पर नहीं खेल सकते, क्योंकि यहाँ स्पीड चाहिए होती है। सो हमने एज की बेस पे उन लोगों को वहां पे रख लिया, ठीक है ना। लेकिन अगर एज की बेस पे आप कंपैरिजन करें, एक प्लेयर 22 इयर्स के एज का, उसके बड़ी स्पीड है, और एक तरफ आपके पास ऑप्शन क्रिस्टियानो रोनाल्डो या लाइनल मेसी के, जो सिर्फ 10-12 साल बड़े हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या आप सिर्फ एज के सुपरफिशियल फैक्टर को देखते हुए रोनाल्डो के ऊपर उसको प्रेफर कर देंगे प्लेयर को? नहीं, आप उसका एक्सपीरियंस देखेंगे, आप उसकी गोल स्ट्रेंथ देखेंगे, आप उसकी तमाम की तमाम दूसरी एबिलिटीज को काउंटिंग करेंगे और फिर आप एज के साथ कंपैरिजन करके कोई म्यूचुअल डिसीजन लेंगे। सो इट मींस कि जिस तरह जेंडर को सही तौर पे देख के हम मैनेज नहीं कर सकते, इस तरह एज को भी सही तौर पे देख के हम मैनेज नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया था कि 22 ईयर्स के बंदे को ज्यादा वेट उठाना चाहिए 38 ईयर्स पर, लेकिन 38 ईयर्स ज्यादा उठा रहा है, क्योंकि इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ किसी तरीके से ज्यादा थी। सो लिहाजा जिस तरह उसको मैनेज नहीं किया गया, इस तरह इसको भी मैनेज नहीं किया जा सकता। कमिंग बैक टू सेंट्रल मिडफील्डर्स, दे आर द ब्रेन। यहां पे एज मैटर नहीं करती, हमें देखना होता है कि लाइट हेडेड पर्संस कौन से हैं, ठीक है ना। वी नीड द लाइट हेडेड पर्संस, ऐसे लोग जो क्या ना प्रेशर में ना आए, जो मिस्टेक ना करें, जिन्होंने पूरी की पूरी गेम क्रिएट करनी है। दे मस्ट बी द मोस्ट क्रिएटिव पर्संस इन द टीम। अब वो क्रिएटिविटी अगर 40 साल के बंदे में, तो उसको खड़ा कर दो। फ्रैंक लैम्पार्ड 38 ईयर्स की एज तक यहाँ पे सेंटर मिडफील्डर में खेलते रहे हैं, ठीक है ना। और अगर वो क्रिएटिविटी किसी 22 ईयर्स के बंदे के अंदर, उसको खड़ा कर दो। टोनी क्रूज एक 22 ईयर्स का जर्मन प्लेयर है, वो सेंटर मिडफील्डर में खेलता है। सो अगेन इट कम्स टू द एट्रीब्यूट्स, हम सिर्फ और सिर्फ सही तौर पर एज को नहीं देखते, हम उस प्लेस के लिए बाकी रिक्वायरमेंट्स को भी देखते हैं। हम ये नहीं करते कि उस प्लेस के लिए बाकी रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर कर दें, ठीक है ना। हम बाकी रिक्वायरमेंट्स को भी डेफिनेटली जरूर देखेंगे, अदरवाइज हम कोलैप्स कर जाएगी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसी तरह से आपकी बैक फोर लाइन होती है, दे मस्ट बी द टफ गाइस, ठीक है ना। मेंटली कूल हो लेकिन फिजिकली टफ हो, कि उनको टैकल करना, उनको गिराना, उनको बीट करना बड़ा मुश्किल हो, बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिंग योर डिफेंसिव लाइन, ठीक है।
सो अगेन जस्ट लाइक द जेंडर, जिस तरह हम एज पे जब वापस आते हैं तो एज को भी हम सही तौर पे मैनेज नहीं करते, एज के साथ जो रिमेनिंग फैक्टर्स आते हैं, जो रिमेनिंग एबिलिटीज आती हैं, एक्सपीरियंस का फैक्टर काउंट इन होता है, कूल हेडेड का फैक्टर काउंट इन होता है, जो लायबिलिटी का फैक्टर काउंट इन होता है, हम उसकी बेस पे डिसीजंस लेते हैं अपने बिजनेसेस के अंदर। सो इस तरीके से हम एज फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी को मैनेज करते हैं। ये दो मेजर एट्रीब्यूट्स थे। इसके अलावा डिफरेंट फॉर्म्स साथ-साथ चलती रहती हैं, लाइक रेस एंड एथनिसिटी की बेस पे आपकी होती है, चाहे मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये ऐसा है, ये ऐसे है, मिनोरिटीज़ की बेस पे। उसके बाद आपके पास कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। उसके बाद आपके पास यू कैन से के डिफरेंट इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ की बेस पे होती है, मैटर करती हैं ये डाइवर्सिटी को। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन का आई क्यू लेवल है वो बड़ा ज़्यादा है, लेकिन आई क्यू में भी तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं ना। एक पर्सन का एक ह्यूमन जो सा है वो एप्टीट्यूड में बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है ना, लेकिन वो न्यूमेरिक्स में आकर रह जाता है, ठीक है ना। एक पर्सन का ह्यूमन जनरल नॉलेज में बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है ना, लेकिन वो कम्प्रीहेंशन में आकर रह जाता है। तो ये डिफरेंट इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं कि आप इन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के वो भी मैनेज करते हुए किसी पर्सन को राइट जॉब पे राइट प्लेस में फिट करते हैं। तो हम अक्सर टर्म पढ़ते हैं ना पर्सन जॉब फिट, पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट, वो यही है, वो डाइवर्सिटी को मैनेज करने के बाद ही अचीव हो सकती है। वो किसी पर्सन को एज एन इंडिविजुअल देखने से मैनेज नहीं होती, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक बंदे ने जॉब नहीं करनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल लोगों ने जॉब्स करनी है, और मल्टीपल लोगों की जॉब्स के लिए ज़रूरी है कि आप सबको एक ही पराए में और एक ही वक्त में लेकर टैकल करें। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नीडेड थिंग। इसके बाद इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज के बेस पर आपने देख लिया, सब एक डिसेबिलिटीज़ की बेस पे भी होती है। डिसेबिलिटीज़ कोटास क्यों बनाए जाते हैं, ताकि डाइवर्सिटी को ठीक तरीके से मैनेज किया जा सके। आपने देखा होगा कि डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर डिसेबिलिटी का कोटा आता है, बट द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट डिसेबिलिटी कम्स विद कि उनमें से आजकल मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लोग जो से होते हैं वो अपनी डिसेबिलिटी को अपनी वीकनेस के तौर पर यूज़ नहीं करते, दे आर यूजिंग इट जस्ट एज अ रेगुलर पर्सन, ठीक है ना। वो अपने आप को रेगुलर पर्सन कंसिडर करके किसी किस्म की लेवरेज नहीं लेना चाहते, एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द दोस डिसेबल पर्सन, जो आजकल के ट्रेंड के अंदर वो अब उसको लेवरेज नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ के तौर पर यूज करते हैं, एंड मे अल्लाह गिफ्ट देम फॉर दिस पर्टिकुलर कॉज। एनी हाउ, सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी। द लेसन वॉज दैट वी मस्ट नॉट मैनेज एनी काइंड ऑफ डाइवर्सिटी जस्ट ऑन इट्स फेस, एदर वो जेंडर है, एदर वो एज है, एदर वो रिलीजन है, एदर वो लैंग्वेज है, एदर वो कल्चर है, किसी को भी जस्ट उसके फेस, उसकी सती लेवल पे हम मैनेज नहीं करेंगे। उस फेस के अलावा जो सब एट्रीब्यूट्स आते हैं उनको देखते हुए उस चीज़ को मैनेज किया जाएगा, इसे डाइवर्सिटी मैनेजमेंट कहते हैं। सो हमने डाइवर्सिटी को डिफाइन किया, हमने ये देखा कि डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमने ये देखा कि अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी तो फिर क्या नुकसान आते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, हमने ये देखा कि डाइवर्सिटी जब प्रिवेल करती है तो उसकी टाइप्स कौन सी हैं, सरफेस लेवल और डीप लेवल, फिर हमने देखा कि डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर डाइवर्सिटी को मैनेज कैसे किया जा सकता है। ये हमारे लेक्चर का आज दूसरा पार्ट था, जो थ्योरेटिकल पोर्शन था डाइवर्सिटी मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशनल डाइवर्सिटी मैनेजमेंट इस तरीके से की जाती है, और आपको वो टास्क अपना देखना है डिज़ाइनिंग वाला, उसके अंदर हमने डिफरेंट कंसेप्ट्स को डाइवर्सिटी लेके आके एक अच्छा सा ट्रैक सूट का डिज़ाइन तैयार करना है, ठीक है। ये आपकी पहली स्किल होगी जो आपको सिखाई जाएगी, और इसी तरह से हर वीक के अंदर आपको एक स्किल ज़रूर सिखाई जाएगी। जो आपका इस वीक का काम है वो ये है कि आपने एक मूवी देखनी है, उस मूवी का नाम एग्जाम है, ये 2008 की प्रॉब्लम मूवी है, वो आपको डाइवर्सिटी ठीक तरीके से समझाएगी। मूवी बेस्ड ऑन अ कंपनी जिसने एक कैंडिडेट रिक्रूट करना है, उसके लिए दुनिया से उन्होंने 8 या 10 कैंडिडेट्स उन्होंने बुलाए हैं जो कि आके एक एग्जाम के अंदर अपीयर होते हैं, और वो एक ही कमरे के अंदर मूवी बनाई गई है, एंड दैट वाज लिटरली अमेजिंग मूवी, ठीक है ना। सस्पेंस से भरपूर है, आपको बाद में शायद आंख में गुस्सा भी आया जब उसका एंड देखेंगे, लेकिन दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग मूवी। आपने नेक्स्ट वेडनेसडे तक वो मूवी देखनी है, उस मूवी के मुतालिक फिर आगे आपकी डिस्कशन किस तरह से होगी वो मैं आपको बाद में इन्फॉर्म करूँगा। सेकेंड नंबर पर आपने अपना जो डिज़ाइन है ट्रैक सूट का वो डिज़ाइन करना है फाइनली उसी वेडनेसडे तक, ठीक है ना। एक वीक है आपके पास उसको डिज़ाइन करने के लिए, जो रिसोर्सेज हैं सारे के सारे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, मैं एक वॉइस नोट भी शेयर कर दूंगा जिसके वजह से मैं आपको सारा मजीद गाइड कर दिया जाए, और जो थीम होगा उसकी डिज़ाइनिंग का, डाइवर्सिटी का जो थीम होगा, थीम आप
दो यूज़ कर सकते हैं, या आप कोविड के थीम को यूज़ कर सकते हैं। आप उसकी डिज़ाइनिंग के अंदर कोविड को, सोशल डिस्टेंसिंग को किसी तरीके से दिखाने की कोशिश करें, या सेकंड नंबर पे आप दिसंबर जो वेदर है, कोल्ड वेदर है, उसके थीम को दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। आप दोनों की अमलगमेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने उस वीडियो के अंदर एक बैड डाइवर्सिटी की एग्जाम्पल सेट की है, ठीक है ना। आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी ब्रिलियंट डाइवर्सिटी फ्रॉम यू गाइज इन द डिज़ाइनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रैक सूट। सो आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके तमाम मटीरियल, और आपको उसके अकॉर्डिंगली उस चीज को डिजाइन करना होगा। दैट विल बी द फर्स्ट मार्केटेबल स्किल विच यू विल लर्न इफ यू विल गेट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अबाउट दैट एक्टिविटी, और इवन इफ एन कंप्रीहेंडिंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। अगर इस लेक्चर को समझने में, किसी पॉइंट को अंडरस्टैंड करने में कोई भी प्रॉब्लम पेश आ रही है, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेट करेंगे, पूछेंगे, ताकि आपको गाइड किया जाए। शायद रिस्पॉन्स थोड़ा सा लेट हो, लेकिन रिस्पॉन्स दिया जरूर जाएगा। इस तरीके से हम अपना इंटरेक्शन का बैरियर जो सा है उसको स्मूथ रख सकेंगे। एक चीज अंडरस्टैंड कीजिए, ये लेक्चर यूट्यूब पर रिकॉर्डेड फॉर्म में इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप इसको आराम से बार बार सुन सकें जब भी आपको इसकी जरूरत पेश आए। एक लेक्चरर के लिए डिफ़िकल्ट होता है इस तरह से मुकम्मल लेक्चर मुकम्मल तौर पे मेमोराइज करके, उनकी सारी चीज़ें प्लान करके, इस तरह से एक जगह पे बैठ के रिकॉर्ड करना कंपैरेटिवली जूम सेशन के। लेकिन जूम सेशन के अंदर बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें रह सकती हैं, बहुत सी चीज़ें स्किप हो सकती हैं, डैट्स वाई दिस मीडियम हैज़ बीन चूजन। लेकिन चूंकि इसमें इंट्रैक्शन नहीं हो पा रहा, इंट्रैक्शन के लिए हमारी रिमेनिंग क्लासेज आगे आएंगी, ठीक है। लेकिन स्टिल इस दौरान आपको कोई भी क्वेश्चन है लेक्चर के मुतालिक, एक्टिविटी के मुतालिक, यू कैन कम ऑन व्हाट्सएप, यू कैन आस्क मी एंड यू विल बी गाइडेड अकॉर्डिंगली। मैं ऑलमोस्ट दो सेक्शंस के इंट्रोडक्शन सुन चुका हूँ और उनको रिस्पॉन्ड कर चुका हूँ उसके अकॉर्डिंगली। इंशाल्लाह दो सेक्शंस के रिमेनिंग इंट्रोज अगले दो दिनों में सुन लिए जाएंगे, फ्राइडे तक उनको रिस्पांस मिल जाएगा उनके वॉइस नोट्स का, प्रीलिमिनरी वॉइस नोट्स का। अगर किसी ने वॉइस नोट सेंड किया हुआ था और उसको फ्राइडे तक रिस्पांस ना मिले, तो वो सैटरडे को मुझे इंटीमेट जरूर कर दे ताकि मैं उसको भी रिस्पॉन्ड कर सकूँ। सो थैंक यू गाइज, दिस वॉज योर सेकेंड लेक्चर, बेस्ट ऑफ लक एंड फॉर योर एक्टिविटी। आई विल ऑल्सो सेंड अ वॉइस नोट अलॉन्ग विद दिस मटीरियल्स दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन रिवाइजिंग योर एक्टिविटीज प्रॉपरली फॉर दिस पर्टिकुलर वीक। थैंक यू।